तो चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन घात वाले हैं, लिखा हुआ है 2/3 की घात 2, फिर उसके ऊपर घात लगी है 8, फिर डिवाइड है 2/21 इसकी घात 4 का सरलतम मान होगा। तो हमको देखो कैसे सॉल्व करना है, हम घात पहले बाहर वाली बराबर करने का प्रयास करें। तो हम इसको लेते हैं, लिखा है 2/3 इसकी घात है 2, और जो ऊपर लिखा हुआ है करते हैं, इसको बनाते हैं 4 × 2 ना। अब देखो जो घात की घात होती है तो उनका गुणा तो होता ही है ना, हमने पढ़ा है ये नियम कौन सा, कि ए की घात एन हो तो ए की घात एम गुणे एन हो जाता है ना, मतलब ये घातें गुणा ही होनी है। आएंगे अंदर अगले स्टेप में, डिवाइड का निशान उसको लगा दिया, फिर 16/81 और घात कितनी है अंदर ले आ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे, मतलब कि 2/3 की घात कितना हो गया 4, और बाहर जो घात 4 ये वाली तो बची रहेगी ना, 2 को अंदर ले आए इसमें गुणा हो गया है, भाग फिर है 16/81 4। अब ये घात इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, जब इस पर लगेगी तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो वही 4 घात, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 और घात 4। अब इस ना आ गई ना सेम चीज, और जब सेम चीज को सेम चीज से भाग दिया जाता है तो उत्तर आता है कितना, सही है दूसरा।